नहीं चाहिए उसके लिए। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा यूनिक है, ज़्यादा किसी ने छत्तीसगढ़ में नहीं किया है। जहाँ भी मैंने थोड़ा एक आध दो वीडियो ही देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है, जो मुंबई में हो रहा है। तो मैं छत्तीसगढ़ में देखना चाहता हूँ, जहाँ दुर्ग शहर है, भिलाई है, वहाँ पे लोगों का कैसा रिएक्शन होता है। तो चलो, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो चलो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि मज़ा आने वाला है। तो और ये देख सकते हो यार, हमारी आरएस क्या खतरनाक दिखती है सामने से। ये प्रोफाइल देखो यार, है ना, क्या जबरदस्त दिखती है यार। मतलब कि जिसके एजेस है, जिसके जो आँखें ना हेडलाइट्स, मतलब ऐसे घूरती रहती है एकदम, मतलब जानवर की तरह से खा जाएगी एकदम। ज़बरदस्त दिखती है यार, 10/10। मैं और भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूँ। तो जैसे आपको रिसेंटली पता कि मैंने इसमें फ्रेंच स्टाइडर लगवाया है, और अभी मैंने एक DSA का जैकेट भी ख़रीदा हुआ है। बाकी ये रहा हमारा हेलमेट MT का, ये GoPro Hero 8, ये हमारा मोटर ब्लॉगिंग सेटअप है। और जो बैक प्रोफाइल से यार देखो, ज़बरदस्त, कहीं से भी देखो भाई। मैं इसके बीच टायर्स भी ना ख़त्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। देखो ग्रिप सब है ही नहीं, तो एक नया टायर भी मुझे लगाना है जल्द। मैं अपोलो सोच रहा हूँ अभी, और अभी C8 के भी एक नए टायर आए हैं, और MRF के भी नए टायर्स आए हैं। तो मैं इन तीन में कन्फ्यूज़ हूँ, पर मैं जिनसे भी थोड़ा बात किया कि बोलते अपोलो ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार अपोलो लगा के ट्राई कर लेता हूँ, है ना। चलो उसका भी अपडेट जल्दी दूंगा। तो चलो अभी चलते हैं एक अपने मिशन पे। का नाम क्या है? अरे टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले वो तो बता। अरे ऐसे कुछ गलत नहीं पूछूंगा। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपकी बाइकिंग कम्युनिटी के बारे में क्या कहना है। आपको बाइक्स पसंद है कि नहीं पसंद है? कोई आइडिया नहीं है। मतलब पसंद है कि नहीं? हाँ या ना मैं जवाब देता हूँ। मतलब क्यों पसंद है? छोटा मोटा कुछ भी। चलो आप लोग बताओ, आपके बाइकिंग कम्युनिटीज के बारे में क्या कहना है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। चलो बाइकिंग के बारे में थोड़ा सा आपकी नॉलेज टेस्ट करता हूँ, ठीक है। मतलब ये बताओ कि इसका CC क्या है और कौन सी ब्रांड है? पल्सर, बजाज पल्सर, हाँ 198 CC की बाइक, हाँ। एंड पावर हाउस तो है ही, पावर हाउस और कुछ नहीं बोल सकते। बाकी 200 CC के जो भी सेगमेंट है उनमें ना सबसे फास्टेस्ट और बेस्ट। Fastest. ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। ये NS से भी ज्यादा तेज है। हाँ। NS की तो बाप है भाई। अब NS 4 वॉल इंजन देता है उतना। हाँ। उतना वो घूमता है, ये तो फिर उसका बाप है, तो और बगे कहीं ज्यादा। सवाल पूछा छोटा सा, मेकअप नहीं चाहिए उसके लिए? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मतलब आपको बाइक पसंद है? कुछ कुछ। मतलब आपको बाइक के कम्युनिटी के बारे में क्या कहना है? मतलब बाइकिंग कम्युनिटी के बारे में क्या कहना है? मतलब कोई ओपिनियन हो आपका कुछ? कैसी लगती है, क्या लगता है? हाँ। लोग इकट्ठे हो रहे हैं बाइक साइज के साथ, सब तो अच्छा है, बस उन लोगों का सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। हाँ, और मुझे देख के क्या ख्याल आता है? मतलब वेल ड्रेस्ड हूँ, मुझे से होना चाहिए। हाँ। मतलब कोई बाइक पसंद है? हाँ, थंडरबर्ड। कॉलेज से उतना खास कुछ ना रिस्पॉन्स मिला नहीं यार। मतलब यहाँ के लोग थोड़े से ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, पता नहीं मैं यहाँ क्यों डाल रहा हूँ। चलो भाई आगे तो उतारेंगे। भाई जो बॉयज है ना यार, वो बहुत अच्छे से मतलब एक्टिव है। गर्ल्स अभी भी ना यहाँ के बहुत शाय है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। पर ठीक है यार, मतलब बहुत लोगों ने मतलब थोड़ा सा ना इसको अलग वे में लिया, पर ठीक है। यही तो मैं मतलब जानना चाह रहा था कि मतलब लोग मतलब बाइक्स को छोड़ो यार, मतलब अगर कुछ भी हम लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं यार, तो उनका मतलब सामने से कोई पॉजिटिव आंसर आ ही नहीं रहा है कि मतलब कि हमें नहीं बनवाना, हमें नहीं मतलब कुछ बोलना, इस टाइप का इन लोगों का एटीट्यूड है। तो यार ये भी कुछ रीजंस है कि मतलब कि छत्तीसगढ़ ना थोड़ा सा, मतलब छत्तीसगढ़ नहीं
यहाँ हमारे दुर्ग भिला में थोड़े से लोग ना ओपन माइंडेड नहीं है, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा ना क्या बोलूँगा, जनरेशन गैप नहीं, मतलब कम्युनिकेशन गैप बोल सकते हो। तो हाँ वो है कि मतलब लोग ठीक से बेहतर तरीके से एक दूसरे को नहीं जान पा रहे, तो ये भी एक चीज़ है। बाकी मैं अपना कोशिश तो पूरा कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर ना रास्ते में मुझे कोई मिलते हैं तो मैं ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ। गया हूँ सीसी, तो यहाँ करते अपना सोशल एक्सपेरिमेंट चालू। सबसे पहले मुझे कोई लड़की खोजनी पड़ेगी जो मतलब थोड़ी सी अपने फ्रेंड के साथ आई हो, मतलब बॉयज़ गर्ल्स एनी कैन। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि पहली बार कर रहा हूँ, आई एम श्योर आप लोगों को भी फीलिंग आती होगी। पर अभी यार वैलेंटाइन डे का वीक चल रहा है, तो किसी भी लड़की से कुछ बात करने में थोड़ी सी फट रही है, पता नहीं कौन कब कहाँ आ जाए। और एक गुड्डू साहब भी दिक्कत हम लोग को, ये देखो सब किसी ना किसी को ले कर घूम रहे। पार्क में एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ, यहाँ तो कुछ लोग हैं। तो मैक्स आपका 2 मिनट ले सकता हूँ अगर फ्री हो तो, मतलब एक सवाल मेरे को पूछना। 2 मिनट ले सकता हूँ आपका, मुझे एक सवाल पूछना है कि आपका बाइकिंग कम्युनिटी के बारे में क्या ओपिनियन है, बाइकिंग कम्युनिटी के बारे में क्या ओपिनियन है, मतलब मैम से पूछना चाहूँगा। बाइकिंग कम्युनिटी एक्चुअली हाँ बाइकिंग कर चुका हूँ हाँ। मैंने पहली बार जो खरीदी थी BMW 310R मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, तो मैं आना जाना उसी से करता था। जी जी। आप जब अकेले रहते हो हाँ पहने रहते हो हाँ कुछ नहीं, ना ईयरफोन ना कुछ हाँ, हाँ। ईयरफोन भी काम नहीं करती हाँ। प्रॉपर सिर्फ आपको एयर आपको रोड हाँ। ना सब चीज आपको बहुत बढ़िया दिखाई देता है हाँ। आराम से सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपनी हाँ। बहुत सारी चीजें को रिकॉल करते हो, बिल्कुल आगे के लिए सोचते हो हाँ। पास में क्या पास के बारे में सोचते हो, तो बहुत अच्छी चीज आती है। बिल्कुल अगर आप बहुत अच्छे हो, राइडिंग गियर वेयर सब पहने हो, प्रॉपर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा मेरे को देख के जज आप क्या जज करोगे, मुझे देख के आप क्या जज करोगे? मैंने पहली बार मैं आपको जज कर दिया था जब यहाँ से बाइकिंग जा रहे थे ना हाँ। क्योंकि मेरे पास भी सेम जैकेट रहा है। अच्छा डीएसी की यही चीज़ बताया था कि जैकेट रहा है, लेकिन आपका एडवांस है मेरे पास अभी भी रखी हुई है। अच्छा बिल्कुल वही मेरे को लगा करें हाँ। बस नेचुरल है, नेचुरल मेरा अच्छा रिव्यू है बाइकिंग। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? संजीव। हाँ मेरा मोटो मही नाम का चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा बता दो हाँ सब्सक्राइब। अभी कोई आप कुछ प्लान कर रहे हो? अच्छा थक जा रहे भाई, वेट वो हो गया, एज बढ़ते जा रहा है ना। 36 एज को मैटर तो करता नहीं है, मैटर नहीं करता है, लेकिन अब कर रहा है क्योंकि आप काम का प्रेशर होता है तो आप नहीं रह पाते। थैंक यू, नाइस मीटिंग, बाय बाय। हेलो एक्सक्यूज मी, मैं 5 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग बाइकिंग कम्युनिटीज के बारे में क्या सोचते हो। अरे बहुत सही चीज़ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। मतलब लड़के लोग को तो पता रहता है, तो मैं थोड़ी लड़कियों से भी जानना चाहता हूँ कि वो लोग मतलब मतलब कि मैरिड नॉन मैरिड कोई भी बता सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरे कोई पर्सनल ऐसे परसेप्शन नहीं, बट हाँ आई डोंट लाइक फास्ट ड्राइविंग एट ऑल। फास्ट आप बाकी लोग से पूछिए हाँ, वो तो वैसे भी रॉन्ग है, बिकॉज विदाउट सेफ्टी गियर आप पहने रहो तो ऑब्वियसली रॉन्ग है वो। मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मतलब बाइकिंग कम्युनिटी को ऐसा कैसे जज करते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अबाउट? मुझे तो ऑनेस्टली उतना कुछ पसंद नहीं है हाँ, मतलब जो इतनी स्पीड। अच्छा ठीक है हाँ, मतलब क्यों? कई भाई बहुत रोड एक्सीडेंट होते हैं हाँ, उनके चक्कर में जो जिनकी गलती नहीं रहती है हाँ हाँ वो भी चले जाते हैं हाँ, इस चक्कर में नहीं। दैट्स राइट, थैंक यू वेरी मच। और कुछ मतलब कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हो बाइकिंग कम्युनिटी के बारे में? अगर कोई सेफली राइड कर रहे हैं और सामने वाले कहीं भी ध्यान दे रहे हैं तो वो चीज़ सही है। तो जैसे कि अगर मुझे आप देखो तो आपका क्या ओपिनियन मेरे बारे में? अरे भाई बेचने के पहले रूल तोड़ना था मेरे को। ऐसे सही है पक्का? तेरे को क्या लग रहा था? कोई बाइक के बारे में कोई नॉलेज है? नहीं। कोई बाइक पसंद है आपको जो फेवरेट हो? कोई रॉयल एनफील्ड। थैंक यू वेरी मच। पास में ही होगा, मोटो ब्लॉगिंग करते हो? हाँ मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, मोटो मिहिर।
हाँ अरे शुरू हो गया कर सकते हो, मेरे चैनल सर्च कर सकते हो। मोटो मिहिर एम आई एच आई आर एच आई आर आई आर हाँ 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 सेकंड वाला हाँ हाँ वही वाला हाँ थैंक यू भाई। आप लोग का नाम हा? आप लोग का नाम मेरा प्रखर सोनी प्रखर सोनी थैंक यू भाई वीडियो जरूर देखिएगा बाय बाय। चलो भाई यहाँ 200 साइबर और बढ़ गए और आज कुछ खास मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई, सिर्फ दो लोग से मैं इंटरव्यू ले पाया और मतलब सवाल पूछ पाया। एक मतलब एक ग्रुप था और एक भैया थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और उनके साथ उनकी कोई दोस्त थी जिन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और दो लड़कियाँ मुझे मिली थी, उन्होंने तो मतलब देखते ही पता नहीं अपना मतलब कि अजीब सा थोड़ा मुँह बना दिया जिसकी वजह से मैं सवाल भी नहीं पूछ पाया। देखा कि काफ़ी लड़कियाँ यहाँ पे थोड़ी सी ना अनकम्फर्टेबल हो रही थी तो यार मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा था। तो भाई इंट्रो बनाना रह गया तो एक जगह रुक के ना सबसे पहले मैं इंट्रो बना लूँ। यहाँ पे पता नहीं लोग थोड़े ना डरे हुए थे, पता नहीं टाइक कर दूँगा तो इसलिए मैंने ये आइडिया को ड्रॉप ही कर दिया फिलहाल के लिए। हो सकता है कि मैं किसी दिन और अच्छे से वीडियो बनाऊं। अगर जितना भी आप देख रहे हो आपको अगर पसंद आया होगा तो मुझे ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।